एक तो ना रोड के बीच में ये पत्थर पता नहीं क्यों इतने गिर जाते हैं यार। यूट्यूबर के साथ बैठे हो ना, मतलब आज स्टेटस डाल ही दोगे। गाइस पहुंच चुके हैं अभी हम ऑफ रोड वाली जगह पे, तो काफी भयंकर ऑफ रोड है यार। किधर गए अब वो? ओ भाई साहब ये क्या रास्ता है यार, ये कोई रोड है? हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी दोपहर के टाइम से, अभी दिन में हम व्लॉग शूट कर रहे हैं और आज मौसम भी काफ़ी साफ है यार, बिल्कुल साफ मौसम। और ऐसे जैसे मौसम में ना राइड करने का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और आज हमने सोचा था कि ऑफ रोड करेंगे, तो मैंने नितिन को कॉल की बट उसने कॉल ही नहीं उठाई मेरी यार, पिक ही नहीं की कॉल। हम दोनों राइड तो टैंक फुल बता रहा था, अब तो पूरा टैंक फुल है यार, अब हम तगड़े तरीके ऑफ रोड कर सकते हैं, अब कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो निकलते हैं फुल पावर, ठीक है, जहाँ पे अब हमने ऑफ रोड करने जाना है, देखते हैं कैसा जैसा ऑफ रोड है। नितिन ने तो कॉल बैक किया नहीं मेरे को, अगर वो कॉल बैक कर लेगा तो उसको भी साथ में लेंगे, अदरवाइज अकेले निकल जाएंगे। अभी पहले हम शॉप पे जाते हैं यार, मुझे ना बबलू भैया बोल रहे हैं कुछ काम है, दो मिनट के लिए आ जाओ शॉप पे। तो हम दो मिनट शॉप पे जाते हैं, देखते क्या काम है, उसके बाद अभी नितिन ने कॉल भी की हुई थी बट मेरे को ना वो सुनाई नहीं दी। A few moments later. तो गाइज निकल रहे हैं अभी हम फुल पावर ऑफ रोड करने जा रहे हैं, तो देखते हैं कौन सी लोकेशन है, कहाँ पे ये ले रहा है, बोल रहा है काफी तगड़ा ऑफ रोड है, चलो देखते हैं। रोड ऑफ होनी चाहिए यार, उतना भी ऑफ रोड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सीन हो जाएगा यार। एक तो ना रोड के बीच में ये पत्थर पता नहीं क्यों इतने गिर जाते हैं यार, कौन गिराता है कौन नहीं गिराता। गाड़ियों के लिए कोई टेंशन नहीं है, गाड़ियों के टायर के नीचे से निकल जाएगा पत्थर या कुछ भी, बट हम जैसों के लिए ना दिक्कत हो जाती है यार। आप मतलब तेज चल रहे हो और एकदम से सामने पत्थर आ जाएगा तो समझो आप तो गए, आपकी तो लग गई लंका, ठीक। तो अब कहाँ जाएंगे रे बाबा, कहाँ जाएंगे रे बाबा। गाइस बाकी ना आप जल्दी से 600 सब्सक्राइबर्स करवा दो, हम 600 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है यार। आप इतनी इतना सपोर्ट कर रहे हो ना, आपको मैं क्या ही बताऊं यार, मतलब इतना सपोर्ट कैसे यार, कैसे इतना प्यार कैसे दिखा रहे हो आप, काफी खुशी हो रही है यार मुझे। बाकी चलो निकलते, हम तो स्कूटी पे ऑफ रोड करने वाले हैं, ये हमारे भैया बाइक पे, इनको उतने जंप नहीं लगेंगे जितने हमें लगने वाले। सॉरी आज मैंने सुबह लेट व्लॉग अपलोड किया, क्योंकि मैंने तो सुबह सोचा था जल्दी व्लॉग अपलोड कर, यार थोड़ा सा ना सीन हो गया था, रात को मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार था, तो रात को काफ़ी ज़्यादा फीवर चढ़ा हुआ था मेरे को और पूरी बॉडी पेन भी कर रही थी, ध्यान ही नहीं रहा व्लॉग वगैरह एडिट करने का, मतलब चाहते हुए भी मैं व्लॉग एडिट नहीं कर पाया हूँ यार कल, तो क्या ही बताऊँ आपको, फिर क्या ही बताऊँ मैं। फिर मैं जल्दी जल्दी उठा, थोड़ा आपके लिए व्लॉग वगैरह एडिट किया, मैं नींद में मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने यार व्लॉग भी एडिट नहीं किया, सुबह व्लॉग एडिट करना है, सोचो कितना क्रेज़ है यार, कैसा सीन हो रखा था रात को मेरे साथ, काफ़ी ज़्यादा बीमार था। तो अब भाई साहब तो गाइस अभी हमारे साथ विक्की जी आए हुए, सर कहाँ जाना है आपने? अच्छा उधरी, तो चलो यार अभी यूट्यूबर के साथ बैठे हो ना, मतलब आज स्टेटस डाल ही दोगे, बिग फैन हो ना, तूने बोला नहीं आज बिग फैन। तो गाइस पहुंच चुके अभी हम ऑफ रोड वाली जगह पे, तो काफी भयंकर ऑफ रोड है यार, आगे एकदम से इतनी चढ़ाई है ना, पता नहीं चढ़ने वाली भी है या नहीं चढ़ेगी, बाकी देखते, मुझे तो लगता है चढ़ जाएगी यार। ओ भाई भाई भाई, भाई काफी तगड़ा ऑफ रोड है यार ये, नितिन मेरे को देख क्या बोलते बोलते, बिल्कुल सीधी रोड है।
हमारे साथ नितिन ने हमें काफी झूठ बोला, उसने कहा था कि ये बिल्कुल अच्छा रास्ता है। ये रास्ता अगर आप देखोगे ना, आपको लगेगा यहाँ से घोड़े शायद सामान वगैरह लेके जाते हैं। मुझे लगता है ये घोड़ों के लिए रास्ता बनाया था। ये बाइकें कहाँ पे ला ली हमने इधर, तो बाकी यहाँ पे ना बिल्कुल जंगल है यार आसपास पूरा, और यहाँ पे चीता वगैरह शेर वगैरह निकलने का डर भी रहता है। तो चलो यहाँ पे तो अभी बिल्कुल साफ रोड है। व्यू चेक करो यार, बिल्कुल जंगल में से चल रहे हम, कोई रास्ते में चीता हमारा वेट कर रहा होगा ना, अगर सबसे पहले उनका काम करेगा वहाँ पे। तो किधर गए अब वो? ओ भाई साहब, ये क्या रास्ता है यार, ये कोई रोड है? पत्थर ही पत्थर है भाई। आए हाय। तो गाइस मुझे लगता है अब स्कूटी का काम भी करवाना ही पड़ेगा। अभी तक मैंने सोचता चलो कोई नहीं, चल रही है तो चलती रहे, बट चलो अब इसका काम वगैरह करवाएंगे। इसके नेट वगैरह जो ढीले हुए हैं उनको भी टाइट कर देंगे। कौन सेट चेंज करवाना था ना मैंने, तो मैं सोच रहा हूँ पहले कौन सेट भी चेंज करवा दें, और अब तो पक्का ही करवाना पड़ेगा, अब तो पक्का कौन सेट चेंज करवाना पड़ेगा। बाकी ऐसी ऐसी रोड हो ना तो बंदा चल पड़ता है। तो गाइस फाइनली अभी हम ना एक सही जैसी रोड पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर बिल्कुल लुक डली हुई है टॉप क्लास की, है तो लिंक रोड पर, कोई चक्कर नहीं, लुक है ना यहाँ पे तो टेंशन नहीं रहती है। यार पीछे इतना गंदा वाला ऑफ रोड था, इतना गंदा वाला क्या ही बताऊँ, मैंने शायद से कुछ अच्छे से रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को ना हेलमेट उतारना पड़ गया था। तो हेलमेट अगर लगा के रखता तो मुझे आगे का कम ध्यान रहता, तो अपने हेलमेट पर ज़्यादा ध्यान रहता, इसलिए मैंने जो है निकाल दिया था। बाकी निकलते हैं अभी हम कौन सी जगह पर, हमें कुछ पता नहीं है तो इस गाँव को क्या बोलते हैं, मेरे को यहाँ का नाम भी नहीं पता। बाकी अब ये लिंक रोड है तो देखते हैं ये वाली। हमारे आगे से तो टाइम भी अभी लगभग 1:59 मतलब 2 बज रहे, तो 3 बजे से पहले पहले हमें पहुंचना है खिलानी, क्योंकि बबलू भैया ने जो है वो घर पे जाना है, उनको घर पे भी काम वगैरह है। बाकी यार कसम से आज नेक्स्ट लेवल ऑफ रोड था यार, नेक्स्ट लेवल ऑफ रोड था। मैं तो क्या ही बताऊँ आपको, मैं इतना थक गया, मतलब ना बुरी कंडीशन हो गई थी यार मेरी वैसा ऑफ रोड देख के यार। मतलब स्टार्टिंग में यार थोड़ा बिगनर हूँ मैं, अभी इतना तगड़ा ऑफ रोड दे देते हो यार।
बाय गाइस।